Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 13, exercise 13.4, question number 8 and 9. For class 9, chapter name is surface areas and volumes. इस चैप्टर में बेसिकली आपको सॉलिड फिगर का एरिया और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए दी गई है. एक्सरसाइज 13.3 में जो क्वेश्चंस, जिस सॉलिड फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, उसमें स्फेयर एंड हेमिस्फेयर है. दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन विच इज हेमिस्फेयर बॉल इज मेड ऑफ स्टील. एक हेमिस्फेयर बॉल है ना. हेमिस्फेयर बॉल कहने का मतलब है कि एक पूरे बॉल जो होता है उसका आधा पार्ट है ना, जो पूरे सर्कुलर बॉल होते हैं जिसे आप खेलते हो, बॉल वगैरह, उसके आधे अगर बिल्कुल आधे आधे काटते हो, यानी कि इक्वल टू पार्ट में जब डिवाइड करते हो, तो दोनों पार्ट उसका हेमिस्फेयर बनता है. तो यहाँ पे बोला जाए एक बॉल है जो कि बॉल यानी कटोरी वगैरह, जिसकी जो स्टील से बनी हुई है और उनकी थिकनेस है 0.25, यानी उसकी मोटाई है. कोई भी चीज़ बनी होती है तो कुछ उसकी मोटाई होती है. द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर. और उसका जो इंटरनल अंदर वाले पार्ट का है ना, अगर ये बॉल है तो ये इसकी थिकनेस हो गई, ये मेरी उंगली है उसे थिकनेस मान लो, और ये अंदर वाली पार्ट का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है. तो बोला जा रहा है क्या कि फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल. बट हमें क्या फाइंड करनी है, आउटर बाहर वाले जो पार्ट है उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो थिकनेस जो है वो मोटाई क्या हो जाएगा, उसके रेडियस में ऐड हो जाएंगे, है ना. जो आउटर का रेडियस अगर हम फाइंड करते हैं, कब सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस की रिक्वायरमेंट है, तो हमें आउटर का अगर फाइंड करना है तो हमें रेडियस आउटर की गिवन देनी पड़ेगी. और आउटर मतलब कि जो इनर है प्लस में थिकनेस उसकी, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो आउटर का रेडियस फाइंड हो जाएगा. ओके, नाउ रेडियस ऑफ आउटर पार्ट ऑफ बॉल विच इज 5 प्लस में 0.25, विच इज 5.25 सेंटीमीटर. ओके, नाउ फाइंड करेंगे कप सरफेस एरिया. आउटर कप सरफेस एरिया ऑफ बॉल, फॉर्मूला तो एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि आउटर के लिए अलग होगा और इनर के लिए अलग होगा, उसका भी वही फॉर्मूला होगा. क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर. ओके, 2 × 22/7 मल्टीपल 5.25 मल्टीपल 5.25, इसे कैंसिल करोगे तो 0.75 आ जाएगा. इन सबको जब मल्टीपल करोगे तो आपका आंसर आएगा 173.25. ये आपका सेंटीमीटर में है, दैट्स व्हाई सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर. यहां पे क्या है, दो फिगर है, एक आपका देखो सिलिंड्रिकल फिगर है और दूसरा उसके अंदर एक स्फेयर है ना. और ये स्फेयर, इन दोनों को ध्यान से देखना कि इसका जो डायमीटर है, इसकी जो डायमीटर है बॉल की, वो सिलेंडर की हाइट है. एक ये रिलेशन ध्यान से देखोगे सारा सॉल्यूशन इजी. इट मींस इसकी ये जो राइट सर्कुलर की हाइट है वो डायमीटर के बराबर है ना, डायमीटर इक्वल टू एच. ये इसकी मतलब, कहने का मतलब ये जो सिलेंडर का हाइट है वो डायमीटर स्फेयर के डायमीटर के बराबर है. कि स्फेयर है तो अगर रेडियस हमें गिवेन है तो स्फेयर होने के वजह से उसका रेडियस कहीं पे भी आप ड्रॉ करोगे इक्वल आएंगे. तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे भी डायमीटर ड्रॉ करूँ तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगे. यानी अगर ये डायमीटर यानी हाइट जो है वो इस रेडियस के बराबर है. ओके, देन वी कैन से दैट कि h इक्वल टू 2r, है ना. कह सकते हैं कि ये डायमीटर क्या है, डायमीटर इक्वल टू 2r, तो वी कैन से दैट हाइट इक्वल टू 2r.
तो इसकी हाइट को, क्योंकि आगे हमें रिक्वायरमेंट होगी हमारी सॉल्यूशन के लिए, हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, दैट्स वाई मैंने पहले यहाँ पे पॉइंट कर दिया। और ये जो है स्फेयर है वो इस तरीके से इनक्लोज है कि वो चारों तरफ से वो एक मतलब कि चिपके हुए हैं इस ये सिलेंडर वाले जो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म का एक जो कंटेनर है उसमें। तो इस तरीका से इनका डायमीटर, इसकी हाइट हो गई और डायमीटर इक्वल टू 2R होता है। नाउ स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, एक एक पार्ट करके सॉल्यूशन करेंगे, है ना, कि अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस R, और इस स्फीयर का जो रेडियस हमें दी गई है उसकी वैल्यू R दिया गया, कोई न्यूमेरिकल नंबर में कोई हमें वैल्यू नहीं गिवन है, हमें वेरिएबल में गिवन है, तो उसका हम उसका रेडियस R लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए गिवन रेडियस ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू आर, ओके। नाउ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है हमें अगर R की वैल्यू गिवन होता तो हम पुट करके उसे अलग से फाइंड कर देंगे, यहाँ पे हमें रेडियस R ही है, दैट्स वाई यही आपका आंसर है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर उसका वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले हम, हाँ एक चीज़ हम यहाँ पे अब देखते हैं कर्व सरफेस, तो हाइट क्या होगा ये चीज़ मैं लिख दूँ, है ना। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर जो कि यही है, यानी इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों इक्वल है, वो R हो गया, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर विच इज H, ओके। तो कर्व सरफेस, सॉरी क्या है, कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू उसका जो फॉर्मूला होता है 2πRH, में इस बार लिख रही हूँ RH। अब हमारे पास रेडियस भी R ही के फॉर्म में है और हमारा हाइट भी हमने H के फॉर्म में ही लिया है, दैट्स वाई ये आपका एग्जैक्ट होगा। नेक्स्ट विच इज थर्ड पार्ट, अब दोनों के एरिया के बीच का हमें रिलेशन हम फाइंड करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेंड इन वन एंड टू, ओके। तो रेशियो बिटवीन तो ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कैसे लिखेंगे, रेशियो फाइंड करना है तो वैसे ही लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका है क्या हमने फाइंड किया फर्स्ट का 4πR², ओके, एंड अपॉन, ओके मैं इसे थोड़ा इधर करने की कोशिश करते हैं, हमने क्या फाइंड किया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का 4πR² एंड अपॉन में कर्व सरफेस एरिया विच इज 2πRH। अब यहाँ पे हम अब दोनों की रेशियो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमने फाइंड किया एच के जगह पे 2R उसे पुट कर देंगे, ओके, 4πR² अपॉन में 2πR एंड इनटू 2R, ओके। इसे मैंने क्या किया, उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप विच इज 4πR² अपॉन में ये 2 2 4 नंबर में आ गए 4,
pi as it is and r multiple r which is r square. Okay, अब ये सारे कैंसल हो जाएंगे, आ गया रेशियो 1 एंड 1, है ना, दोनों के बीच का जो रेशियो है वो 1:1 है. आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें.